हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमए ऑर्गेनिक्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि एमए ऑर्गेनिक्स का आईपीओ जो नेक्स्ट मंथ में ओपन होने वाला है, 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो चलिए देखते हैं आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स और कंपनी में कितना इसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, कितना इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है अपने को, और आज की डेट में इसका कितना ग्रे मार्केट में चल रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हम कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स। तो देखते हैं, कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एमए ऑर्गेनिक्स जो है ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसमें इसके देखा जाए तो 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स अक्रॉस 17 की थेरेपीज इसके पास हैं, जिसकी प्रोडक्ट रेंज है 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स इसके पास है और 17 की थेरेपीटिक्स इसके पास है। इसके बाद बात करें तो कंपनी के पास टोटल 150 कस्टमर्स हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कस्टमर, जिसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, यूरोप, यूएसए, चाइना, इसराइल, जापान, लैटिन अमेरिका, इस टाइप की काफ़ी सारी कंट्रीज को ये सप्लाई करती है। मोर देन 25 कंट्रीज में ये सप्लाई करती है। इसके बाद अगर बात करें इसके कस्टमर की, तो कस्टमर भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ, इसकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसको ये डायरेक्टली यहाँ से सप्लाई करती है। और इसके बाद अपन बात करते हैं और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुजरात में है। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तीनों गुजरात में ही है। और कैपेसिटी की बात करें, इसकी कैपेसिटी जो है 6060 मेट्रिक टन पर एनम इसकी टोटल कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है कंपनी की। तो बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है और फार्मास्यूटिकल्स और दूसरी कंपनियों को भी ये सप्लाई करती है। और ओवरसीज में इसके मोर देन 25 कंट्रीज में ये सप्लाई करती है। इसके बाद हम बात करें कंपनी कंप्यूटर स्ट्रेंथ की, तो इज द वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टेन फार्मा इंटरमीडिएट्स। तो ये जो इसके 450 जो इसके फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद इसके पास स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे आपने दिखाया है यहाँ पर। उसके बाद एक्सटेंसिव ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, मोर देन 25 कंट्रीज में सप्लाई करती है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है कंपनी के पास। इसके बाद बात करें, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, सेल्स एंड मार्केटिंग कैपेबिलिटीज है कंपनी के पास, और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की देख लेते हैं अपन कंपनी की, तो टोटल असेट्स जो है कंपनी के, ये 2019 में तो 2131 मिलियंस, उसके बाद ये 2318 मिलियंस हो गए, उसके बाद 4132 मिलियंस हो गए 2021 में। तो ट्रैक रिकॉर्ड असेट्स का काफ़ी अच्छा ही है, 2000 से 4000 हो गए, ऑलमोस्ट डबल 2 साल में। इसके बाद रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यूज का 2388 मिलियंस, उसके बाद 2424 हो चुका है बढ़ के, और अभी की बात करें 2021 की 3419 मिलियंस का हो चुका है। तो रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छा इसका जनरेट हुआ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ किया है इसमें। और प्रॉफिट की बात करें तो इसका 232 मिलियंस था, वो बढ़ के 274 मिलियंस हो चुका है 2020 में, और 21 की बात करें तो 539 मिलियंस हो चुका है। तो रिवेन्यू जितना ग्रो किया है, प्रॉफिट भी उसी से ग्रो किया है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो ये मोर देन 200% इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो चुका है, जबकि रिवेन्यू और असेट्स उतने ग्रोथ नहीं हुए, 232 से 539, ऑलमोस्ट डबल की ग्रोथ हो चुका है यहाँ पर प्रॉफिट। तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। अब लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ऑब्जेक्टिव आईपीओ लाने का? तो इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिपेमेंट ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल बाय द कंपनी। तो कंपनी का जो पहले लोन वोन है उसको रिपेमेंट करना है। देन फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए आईपीओ कंपनी ला रही है। अब बात करें कंपनी का आईपीओ की डेट, तो इसका आईपीओ का जो डेट है वो 1 सितंबर को ओपन होगा और क्लोजिंग डेट वो 3 सितंबर है, 3 सितंबर को 3 दिन तक खुला रहेगा, बंद हो जाएगा उसके बाद। और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो 603 से 610 रुपये पर इक्विटी शेयर इसका प्राइस बैंड है, जिसमें आपको 610 रुपीज़ पर आपको कट ऑफ प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा और आपको एक लॉट में टोटल 24 शेयर मिलेंगे। इसके बाद बात करें इश्यू साइज, जो इसका 569 करोड़ का आईपीओ है, ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। उसमें फ्रेश इश्यू की बात करें 200 करोड़ का इसमें फ्रेश इश्यू है, और ऑफर बोर्ड सेल की बात करें 369 करोड़ का ऑफर बोर्ड सेल है। तो ओएफएस 370 करोड़ का समथिंग का ओएफएस है, बाकी 200 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू है। इसके बाद अपन बात करते हैं आईपीओ का अलॉटमेंट जो है 8 तारीख को आ जाएगा और रिफंड आपको 9 तारीख को मिल जाएगा अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो। और क्रेडिट ऑफ शेयर जो है डीमैट में 13 सितंबर को हो जाएंगे और लिस्टिंग डेट इसका 14 सितंबर को है, तो 14 सितंबर का आपको ये लिस्ट होता हुआ दिख जाएगा। और एक लॉट में आपको मिनिमम 14,640 रुपीज़ अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 24 शेयर मिलेंगे। तो ये था कंपनी कुछ बेसिक डिटेल्स। और इसके बाद अपन बात करते हैं कंपनी का
कंपनी का इसका जो रजिस्टर है वो लिंक इन टाइम है। आप यहाँ देख सकते हैं आईपीओ का जो अलॉटमेंट आएगा लिंक इन टाइम पर आपको अवेलेबल हो जाएगा ये। अब अपन बात कर लेते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि कितना इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज की डेट में। तो ग्रे मार्केट को अपन कंपेयर करेंगे 610 रुपए से, क्योंकि 610 रुपए इसका कट ऑफ प्राइस है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं चाणक्य की वेबसाइट पर। चाणक्य की वेबसाइट देखेंगे आप 28 अगस्त आज का जो जेएमपी चल रहा है वो है 58 रुपीज पर इक्विटी शेयर। तो 58 रुपीज पर शेयर अपने को मिल रहा है 610 रुपए के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं अपन परसेंटेज में, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे अपन, पहले अपन एक एवरेज जेएमपी देख लेते हैं। अगली वेबसाइट अपन आईपीओ वॉच, और आईपीओ वॉच की वेबसाइट देखेंगे आप तो इसका यहाँ पर जेएमपी चल रहा है 55 रुपीज चल रहा है आज की डेट में 28 अगस्त का, और कल का जो जेएमपी था वो 50 रुपए ही था, आज यहाँ 5 रुपए जेएमपी में बढ़त दिखाई दी है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगली वेबसाइट जो अपनी है प्रॉफिट मस्ट। प्रॉफिट मस्ट पर आप देखेंगे आज का जेएमपी चल रहा है 68 रुपीज चल रहा है, और कल का जो जेएमपी था 65 रुपीज चल रहा है। तो 68 रुपीज काफी अच्छा है, यहाँ पर जो देखा था हमने 58 देखा था, यहाँ पर देखा था 55, और यहाँ पर 68 मीन्स अभी तक का हाईएस्ट जेएमपी इस पर चल रहा है प्रॉफिट मस्ट की वेबसाइट पर। इसके बाद अपन बात करते हैं अगली वेबसाइट है अपनी आईपीओ सेंट्रल की वेबसाइट, और इसके वेबसाइट देखेंगे आप जेएमपी चल रहा है 50 रुपीज पर इक्विटी शेयर आज का जेएमपी, और कल का जेएमपी तो इसमें 30 रुपए था। मैं सबसे लोएस्ट जेएमपी देखेंगे कल का तो 30 रुपीज था, और आज का मेरे हिसाब से लोएस्ट जेएमपी 50 रुपीज से, क्योंकि इसमें 58 चल रहा है, इसमें चल रहा है 55, इसमें 68 और इसमें 50, तो जो लोएस्ट जेएमपी आज का वो 50 रुपीज है, और हाईएस्ट जेएमपी जो है 68 रुपीज है। तो 50 से 60 के बीच में अगर अपन एवरेज जेएमपी का मानते हैं 60 रुपीज पर इक्विटी शेयर, तो मेरे हिसाब से इसका जो अपने को लिस्टिंग मिल सकता है तो वो है ऑलमोस्ट 9.8% में, 10% के आसपास आपको इसमें लिस्टिंग गेन आज की डेट में दिखता हुआ मिल रहा है। तो 10% मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी इसका काफी टाइम है, 14 तारीख को इसका लिस्टिंग होगा, तब तक अपन कुछ कह नहीं सकते कि इसका कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज होता है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो इसका जो है आज की डेट में अपन देखें 10% इसमें जेएमपी मिल रहा है अपने को, 10% रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, लेकिन अभी 15 दिन अभी भी है इसमें, तो 15 दिन में जेएमपी में उलटफेर हो सकता है, जेएमपी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यही था बेसिक डिटेल कंपनी के बारे में। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, आप इसमें नो डाउट अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद अपन देखते हैं कि कैसा इसका सब्सक्रिप्शन रहता है, उसके बेसिस पे अपन देखेंगे 10 तारीख को कैसे अप्लाई करना है या नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।